नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो बनता ही है, और विदाउट शेयर कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये पहली वीडियो है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे और आप सब स्वस्थ रहें। चलिए, आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके जो हॉल टिकट हैं या एडमिट कार्ड हैं, किसी भी टाइम रिलीज हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब पूरी कर ली गई हैं, और वो थी परमिशन लेनी थी डिजास्टर मैनेजमेंट से कि जो एडमिट कार्ड धारक बच्चे हों वो फ्रीली जा सकें, आ सकें, क्योंकि जो ये लॉकडाउन है इसमें तो उसकी परमिशन की जो पूरे की पूरी क्वायत थी वो पूरी कर ली गई है, और लेटर भी उसका DSSSB के पोर्टल पर आ गया है। तो आपकी जो लास्ट हर्डल था एडमिट कार्ड का, वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब किसी भी क्षण आपके हाथों में एडमिट कार्ड आ सकता है। तो प्लीज़ क्लीनली देखिए साइट को कि क्या हो रहा है, और जैसे ही आएगा एडमिट कार्ड हम आपको बता देंगे। आप भी साइट को देखते रहें, ऑफिशियल वेबसाइट को, जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जो अथॉरिटी होती है उससे कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसके लिए जो एडमिट कार्ड धारक हैं उनको फ्रीली कहीं रोका न जाए, और जो उनका डेस्टिनेशन है एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर पहुँचाया जाए। इसलिए ये लेटर इशू हो गया है और आपका लास्ट हर्डल भी ख़त्म हो गया है। तो आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्दी किसी भी क्षण वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।